हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन योर पीडी एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, गेट 2021 के लिए कुछ डिटेल्स रिलीज़ किए हैं आईआईटी बॉम्बे ने, तो क्या वो अपडेट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो जो आपके पास डेट्स हैं कि किस कौन कौन सी डेट को पेपर होगा, यहाँ पे देख सकते हैं ये अपडेट है 25 जुलाई 2020 का। ओके, एंड जो एग्जामिनेशन की डेट्स वगैरह की अगर हम लोग बात करें कि कौन कौन सी डेट को एग्ज़ाम होने वाला है, तो 5th, 6th, 7th, 12th, 13th, 14th फेब 2021 को होने वाला है। ओके, एंड अगर हम लोग बात करें कि क्या इसमें न्यू है या क्या आपके लिए गुड न्यूज़ है, तो गुड न्यूज़ है थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम पढ़ते हैं, टू न्यू सब्जेक्ट पेपर आर बीइंग स्टार्टेड, ईएस एनवायरमेंट साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड XH ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, इसको तो ऐड किया गया है। एंड जो पहले 25 एग्ज़ाम होते थे, ओके 25 आपके पास पेपर होते थे, अब उसको 27 कर दिया गया इंक्रीज करने के बाद। ओके, एंड यहाँ पे आप देखो, टू बूस्ट द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी इन इंटरडिसिप्लिनरी एरिया अनलाइक इन द प्रीवियस ईयर व्हेन ए कैंडिडेट कुड राइट ओनली वन सब्जेक्ट पेपर, द कैंडिडेट कैन नाउ ऑप्ट फॉर अप टू टू सब्जेक्ट पेपर। तो दो पेपर, दो सब्जेक्ट के अंदर आप पेपर दे सकते हैं, एक अपनी ब्रांच के अंदर एंड एक इंटरडिसिप्लिनरी के अंदर। ओके, एंड जो भी आपका इसका बेसिकली प्रिस्क्राइब्ड सेट ऑफ कॉम्बिनेशन होगा वो आपको बता दिया जाएगा कि मैकेनिकल वाला इसमें दे सकता है साथ में। नाउ एलिजिबिलिटी की बात करें तो पहले क्या था आपका, 10+2+4 ईयर आपका डिग्री, दैट अगर आप फोर्थ में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब आपका चेंज करके क्या कर दिया गया है, यहाँ पे आप 3 देख सकते हैं, दैट थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो एनेबलिंग इवन दोज इन थर्ड ईयर ऑफ देयर अंडर ग्रेजुएट स्टडीज टू अपियर इन द एग्जामिनेशन, दस प्रोवाइडिंग एन एडिशनल अपॉर्चुनिटी टू कैंडिडेट टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस टू सिक्योर बेटर कैंडिडेट ऑप्शन। ओके, तो ये है आपके पास, अगर डिटेल्स देखना चाहते हो तो इस वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, वहाँ पे जाके आप डिटेल्स देख सकते हैं। एंड अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी, स्टे एट होम।